एम म्यूजिक लवर, मैं हूं आपका म्यूजिक फ्रेंड हारमोनियम म्यूजिक जामनगर से जयंत राठौर। आज हम करेंगे हारमोनियम के ऊपर तीसरा वाला लेसन, तीसरा अलंकार। ये बहुत ही अच्छा अलंकार है जिससे आपको बीट में भी फायदा होगा और आपके फिंगर्स भी फास्ट होंगे। कैसे? ये चार चार स्वर का अलंकार है, सारे गम रे गम प सो ऑन। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सारे मैं आपको फिंगर्स भी बताऊंगा। हम दो स्केल के अंदर तीसरा वाला अलंकार करेंगे, लेसन नंबर तीन करेंगे, एक सी शार्प से फर्स्ट ब्लैक पहली काली और एक जी शार्प से चौथी काली या तो फोर्थ ब्लैक, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो वन बाय वन करेंगे, पहले सी शार्प से कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने म्यूजिकल दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फर्स्ट फिंगर सा के ऊपर, रे के ऊपर सेकंड फिंगर, ग के ऊपर थंब और म के ऊपर सेकंड फिंगर। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो रे पे पहुंच जाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा चार चार स्वर का, सा रे ग म, एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा रे ग म प, तो रे में फर्स्ट फिंगर, ग में थंब, म में फर्स्ट फिंगर और प में सेकंड फिंगर। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वे ग म प ध, तो ग में थंब, म में फर्स्ट फिंगर, प में सेकंड फिंगर और ध में थर्ड फिंगर। चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो है म प ध नी, तो म में फर्स्ट फिंगर, प में सेकंड फिंगर, ध में थर्ड फिंगर और नी में आपको थंब ले जाना है। ठीक है, तो जो हमारा पांचवा कॉम्बिनेशन है प ध नी सा, तो प में आपका सेकंड फिंगर, ध में आपका थर्ड फिंगर, नी में आपका थंब और सा में आपका सेकंड फिंगर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आरोह, सा रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा। ठीक है, और एक बार कर देते सा रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा। ठीक है, मैं सिर्फ बजा के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरोह। अभी हम इसी को अवरोह में करेंगे, तो अवरोह में भी सेम सा नी ध प हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो सा में आपका सेकंड फिंगर, नी में हमारा थंब, ध में हमारा थर्ड फिंगर और प में हमारा सेकंड फिंगर। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है नी ध प म, तो नी में थंब, ध में थर्ड फिंगर, प में सेकंड फिंगर और म में फर्स्ट फिंगर। ठीक है, नी ध प म। फिर उसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ध प म ग, तो ध में थर्ड फिंगर, प में सेकंड फिंगर, म में फर्स्ट फिंगर और ग। ठीक है, ग में थंब, तो ध प म ग। ठीक है, इसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है प म ग रे। ठीक है, तो प में आपका सेकंड फिंगर, म में आपका फर्स्ट फिंगर, ग में आपका थंब और रे में आपका फर्स्ट फिंगर। ठीक है, प म ग रे। ठीक है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो है म ग रे सा। ठीक है, तो म में आपका सेकंड फिंगर, ग में आपका थंब, रे में आपका सेकंड फिंगर और सा में आपका फर्स्ट फिंगर। तो ये हो गया हमारा, मैं आपको अवरोह गा के और बजा के दिखा देता हूं। सा नि ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। और एक बार कर देते हैं, सा नि ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी शार्प स्केल से आरोह और अवरोह, मैं आपको सिर्फ बजा के दिखा देता हूं।
तो ये हो गया हमारा सी शार्प स्केल से। अभी हम जी शार्प स्केल से करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब मेट्रोनोम क्या है? मेट्रोनोम एक सिंपल मेट्रोनोम होता है जिसमें बीट चल रही है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा वाला एक एप्लीकेशन होता है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूजर है तो आपको उसकी एप्लीकेशन गैलरी से भी मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है कि आपको इस अलंकार को 80 BPM से लेके आपको उसको 120 BPM तक आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बीट में एक नोट बजाना है आपको, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जी शार्प स्केल से पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पता है सारे का पता नहीं सा आपको पता ही होगा, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। ये मेरा जी शार्प थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो ये मैं अगर इसको एडजस्ट करूं तो प्लीज आप इग्नोर करिएगा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो है सा रे ग म, ठीक है। तो सा में आपका फर्स्ट फिंगर, रे में आपका सेकंड फिंगर, ग में हमारा थंब और म में हमारा सेकंड फिंगर। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है रे ग म प, तो रे में हमारा फर्स्ट फिंगर, ग में हमारा थंब, म में हमारा फर्स्ट फिंगर और प में हमारा सेकंड फिंगर, रे ग म प, ठीक है। उसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है ग म प ध, तो ग में हमारा थंब, म में हमारा फर्स्ट फिंगर, प में हमारा सेकंड फिंगर और ध में हमारा थंब, ठीक है। आपको ग और ध दोनों में थंब यूज करना है, याद रखिए। उसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है म प ध नी, तो म में हमारा फर्स्ट फिंगर, प में हमारा सेकंड फिंगर और ग में हमारा थंब और नी में हमारा सेकंड फिंगर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। म प ध नी, और एक बार करते रहूं म प ध नी, ठीक है। उसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है प ध नी सा, तो आपको क्या करना है, प में हमारा सेकंड फिंगर, ध में हमारा थंब और नी पे हमारा जो सेकंड फिंगर था उसकी जगह आपको फर्स्ट फिंगर लेना है और सा में आपका सेकंड फिंगर, ठीक है। अगेन कर देते हैं प ध नी सा, प ध नी सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरो, मैं पूरा आपको गा के और बजा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम अवरोह करेंगे। अवरोह में आपको सेकंड फिंगर से शुरुआत करनी है, सा नी ध प, ये पहला कॉम्बिनेशन है। तो सा में हमारा सेकंड फिंगर, नी में हमारा फर्स्ट फिंगर, ध में हमारा थंब और प में हमारा फर्स्ट फिंगर होना चाहिए, ठीक है। सा नी ध प, क्योंकि हमें ये सेकंड फिंगर नी में पहुंचाना है, ठीक है, इसलिए सा नी ध प। दूसरा कॉम्बिनेशन है नी ध प म, तो नी में हमारा सेकंड फिंगर, ध में हमारा थंब, प में हमारा सेकंड फिंगर और म में हमारा फर्स्ट फिंगर, ठीक है। सा नी ध प म, ठीक है। उसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है ध प म ध, तो ध में भी थंब यूज करेंगे और ग में भी थंब यूज करेंगे। ध प में हमारा सेकंड फिंगर, म में हमारा फर्स्ट फिंगर और ग में हमारा थंब, द प म ग, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है प म ग रे, तो प में हमारा सेकंड फिंगर, म में हमारा फर्स्ट फिंगर, ग में हमारा थंब और रे में हमारा फर्स्ट फिंगर, ठीक है। क्योंकि म में हमें सेकंड फिंगर ले जाना है इसलिए हम म में फर्स्ट फिंगर रखेंगे, तो प म ग रे। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है म ग रे सा, तो म में आपका सेकंड फिंगर, ग में हमारा थंब, रे में आपका सेकंड फिंगर और सा में आपका फर्स्ट फिंगर। तो ये हमारा हो गया जी शार्प स्केल में अवरोह। अब मैं आप दोनों आपको बजा के और गा के दिखा देता हूँ। सा सा नी ध प नी ध
लगा देता हूँ, मैं सिर्फ प्लेइंग कर रहा हूँ, बजा के सिर्फ दिखा देता हूँ आपको। ये आपका हो गया जी शार्प मेजर स्केल में आरोह और अवरोह। अगर आपको नहीं पता है कि ये पारिभाषिक शब्द क्या होता है, आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, कोमल स्वर क्या होता है, शुद्ध स्वर क्या होता है, तो एक वीडियो मैंने आई बटन में दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए, जो क्लासिकल म्यूजिक थियरी है आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं दोनों स्केल से आपको बजा के दिखा देता हूँ एक बार। ये चीज का ध्यान रखना है कि एक अलंकार आपसे तीन बार कंटिन्यू सही बजना चाहिए, उसके बाद ही आप नया अलंकार सीखने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि इससे काफी सारा आपको फायदा होगा। जिस हिसाब से करेंगे को हम गा भी सकते हैं, और सेम ही होते हैं गाने के अलंकार और बजाने के अलंकार, तो आप भी उसको गाइए, साथ में गाइए, या अगर आप वोकल की प्रैक्टिस अलग से करना चाहते हैं तो आप इसको गाइए। मैं आपको बजा के और गा के दिखा देता हूं। चौथी काली जी शार्प स्केल से करेंगे सा सिंगर नहीं हूं तो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं होगी शायद। इस वीडियो में जो भी आप सिंगिंग सुन रहे हो वो एकदम नॉन एडिटेड है, कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया है, ना ही कोई प्लगइन्स का यूज किया है, सिर्फ ऐसे ही जो कैमरा के थ्रू जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसी आवाज के जरिए आप तक ये पहुंच रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी गायकी के ऊपर या मेरी आवाज के ऊपर बिल्कुल मत जाइए, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा, और मैं गाने की सलाह आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो आप गा भी सकते हैं, अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो आपको गाना जरूरी है, आपकी आवाज कैसी भी हो, मेरी जैसी हो, कोई भी, पर आपको हारमोनियम बजाते बजाते गाना जरूर है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी म्यूजिकल स्टे म्यूजिकल।